सुप्रभात मेरे प्रिय छात्र छात्राओं को फिर से ऑनलाइन क्लास के लिए स्वागत है। जो हमने पिछले 3-4 क्लासों में देखे कि बड़े घर की गद्य भाग का प्रारंभ से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है, तो इस कहानी का शेष भाग आज कुछ है उसके बारे में हम बात करते हैं। कल तो हम देख चुके थे कि बंटवारे के लिए यानी घर के बंटवारे के लिए श्री कंठ और उनके पिता के बीच में बातचीत हो रही थी, और बातचीत होते समय गांव पर श्री कंठ जी और उनके पिता का झगड़ा फैल गया था। गांव के सभी लोग कुछ बहाने बनाकर यानी चिलम पीने के बहाने आकर कुछ लोग बैठ गए, या रस्सी लगा लेने के बहाने कुछ लोग आकर बैठ गए। गांव के स्त्रियां तो इस पर हंसते जरा चलते थे, क्योंकि बड़ी परिवार की कहानियां सुनाने वाले आदर्श श्री कंठ अब पत्नी का पालतू बन गया है। पत्नी की बातें सुनकर पिता से झगड़ा कर अलग खिचड़ी पकाने का सोच रहा है, अलग घर बनाने का सोच रहा है। तो घर के गांव के सभी औरतें भी कुछ बहाने बनाकर उनके घर में आकर बैठ गए। बैठने के बाद श्रीकंठ जी के पिता को पता था, क्योंकि कई दिनों से श्रीकंठ जी के पिता उनके साथ बैठते उठते बात करते, दिन भर हुक्का चलम पीते, उन्हीं के आंगन में रहते थे। तो इनको पता था ये सभी गांव के लोग आए हैं हमारा झगड़ा सुनने के लिए ही है, हमारे पीछे ताली बजाने के ही अवसर इनको ना मिले, हमारे पीछे इनको ताली बजाने के अवसर ना मिले। इशारे से बेटे को समझाते हैं, बेटा चिंता मत करो, तुम अब चले जाओ, बात कल करेंगे, जो भी हो तुम्हारा छोटे भाई ने ही ऐसे किया होगा, उसे बड़े होकर तुम क्षमा करो, क्षमा करना ही पड़ता है, इसलिए तुम जाओ बेटा। इशारे से ही पिताजी समझाने लगे श्रीकंठ जी को। लेकिन ग्रेजुएट पढ़ा लिखा समझदार शहर में नौकरी करने वाला इंसान श्रीकंठ जी को पिताजी के इशारे समझ में आने के लिए तैयार ही नहीं है। साथ ही साथ डिबेटिंग करने की आदत से बचपन से ही है, भाषण देने की आदत बचपन से ही है। तो इतना होनहार नौजवान लड़का पिता के इशारे पर इशारों को समझने के लिए तैयार ही नहीं है, वहाँ से उठने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर लोगों के सामने उसने कह दिया, पिताजी अब इस घर में मेरा निर्वाह ना होगा, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता हूँ, लाल बिहारी ने जो किया है उसके वो क्षमा का योग्य भी नहीं है, उसे दंड भी मैं नहीं दूंगा, मैं उसका मुँह भी नहीं देखूंगा, अब इस घर में अब मैं रहना नहीं होगा। तो इतना तो सब कुछ श्रीकंठ जी पिता से समझा दिए। फिर कहते हैं पिताजी से, श्रीकंठ अपने पिता से कहते हैं, उनकी इस दृष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता, या तो वही घर में रहेगा या मैं ही, आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना पर बाहर आप संभालूंगा, यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए कि जहां चाहे चला जाए, बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। तो देखिए पिताजी से श्रीकंठ जी कहने लगे, पिताजी आप कितना भी छुपाइए कितना भी करिए, गांव के लोगों को एक ना एक दिन पास समा पता लगेगा ही, वो कुछ बातें कहेंगे या जो भी हो, आज मैं अपना निर्णय सुनाकर ही छोड़ता हूँ। देखिए पिताजी मैं भी आपका बेटा ही हूँ, लाल बिहारी भी आपका ही बेटा है, आप हद से ज्यादा लाल बिहारी को चाहते हैं तो मुझे इस घर से निकाल दीजिए, मैं कैसे भी कहीं भी रह लूंगा और मेरा भरपाई पेट में पालूंगा, मैं पत्नी के साथ कहीं तो रह लूंगा, आप मुझे अधिक चाहते हैं यानी उससे ज्यादा मुझे चाहते हैं तो मुझे घर में रख लीजिए, उससे कहीं जाने के लिए कहिए, लेकिन दोनों इस घर में इस छत के नीचे हम नहीं रह सकते। अपने जो इच्छा था श्रीकंठ जी का पिता के सामने कह दिए, एक छत के नीचे हम दोनों रह नहीं सकते, क्योंकि जो व्यवहार लाल बिहारी सिंह ने मेरे पत्नी के साथ किया है वो क्षमा का योग्य नहीं है, क्षमा मैं कर ही नहीं सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आज से मेरे लिए उम्र गया है। तो आप दोनों में किसके साथ रहते हैं सोचिए, आपको हद से ज्यादा उससे प्यार है तो उसे आप घर में रख लीजिए, मुझे निकाल दीजिए, मैं कहीं तो रह लूंगा, नहीं आप मुझे चाहते हैं तो मुझे रख लीजिए घर में, उसे कहीं जाने के लिए कहिए, ये मेरा अंतिम निर्णय है, ये मेरा लास्ट बात है, मैं इससे ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ, पिताजी सोचिए सोचिए। इतना कहकर श्रीकंठ जी हंसे उठने ही वाले थे, लेकिन श्रीकंठ जी को लाल बिहारी सिंह हंसे जाना चाहता था, क्योंकि चाहना भी जरूरी है, बचपन से ही घर में पल बड़े हैं, बचपन से ही उससे भी 2 ही साल बड़े थे श्रीकंठ जी, बचपन में दोनों एक साथ खेल कूद गए हैं,
गांव के सभी खेले हैं, गिल्ली डंडा खेले हैं, बाई के साथ लगाव था श्रीकंठ जी को, श्रीकंठ से लाल बिहारी को हंसिया ज्यादा, बाई से प्यार था, साथ ही साथ जितना अपना पिता को मान मर्यादा नहीं देता था लाल बिहारी, उससे ज्यादा अपने बड़े भाई को देता था, क्योंकि बड़े भाई पढ़ लिखे थे, शहर में नौकरी करते थे, कभी कभी हफ्ते में आते तो प्यार से बाई से बात करते थे, बाई के साथ खाट पर भी नहीं पड़ते थे, बाई के पास बाई के सामने पान सुपारी भी नहीं खाते थे, जो भी हो इससे ज्यादा मान मर्यादा लाल बिहारी सिंह अपने भाई को देते थे। वो भी घर में आ रहे थे, लेकिन पिता और उनके पिता और श्रीकंठ जी के बातों को सुनकर वहीं दरवाजे के बाहर ही खड़े हो गए, दोनों का जोरों से बातचीत चलने लगा था। आखिर वो बाई मेरे बारे में पिता के सामने क्या कहता है, पिताजी क्या कहते हैं, सुनना चाहिए, सुनने के लिए खड़ा हो गया, तो दोनों के बातचीत भी समाप्त हो गई। बाई ने जो ये शब्द कहा कहा कि मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता हूँ, वो मेरे लिए मर चुका है। इस बातों को सुनते ही लाल बिहारी सिंह को हंसे ज्यादा बुरा लग गया, जहाँ खड़ा था लाल बिहारी सिंह वहीं रो पड़ा, क्योंकि बचपन से ही पल बड़े हुए भाई हैं, सिर्फ एक ही बात के लिए मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं, मुझे इस घर में रखना नहीं चाहते हैं, मुझे यहाँ से विदा करना चाहते हो, आखिर मैं कहाँ जाऊँ, वो पढ़े लिखे हैं, नौकरी है उनको, शहर में जाकर रहते हैं, मैं तो अनपढ़ हूँ, इस गांव छोड़कर आगे के गांव को कैसे जाते हैं मुझे पता नहीं है, ये गाँव ही मेरे लिए सब कुछ है, अब मुझे यहाँ से जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा, मुझे तो कुछ भी आता ही नहीं, ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना मुझे काम आता है, क्या करूँ, आगे की जीवन मुझे किस तरह काटनी है। उसी सोच विचारों को लेकर लाल बिहारी जहाँ दरवाजे में खड़े थे वहीं रोने लगे। लाल बिहारी सिंह दरवाजे के चौपट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था, वह उनका बहुत आदर करता था, उसे कभी इतना साहस ना हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चार पाई पर बैठ जाए, हुक्के पी ले या पान खा ले, बाप की बाप का भी वह इतना मान ना करता था, श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था, उसने होश में उन्होंने कभी उसे भुड़का तक ना था, जब वो इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई कुछ वस्तु अवश्य लाते, मुगदर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी, पिछले साल जब उसने अपने से डोड़े जबान को नागपंचमी के दिन दंगल में भचाड़ दिया, तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में जाकर उसे गले से लगा लिया था, 5 रुपए के पैसे लुटाए थे, ऐसे भाई के मुंह में आज ऐसी हृदय उदार बातें सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई, वह फूट फूट कर रोने लगा, इससे संदेह नहीं कि वह अपने किए पर पछता रहा था, बाई के आने से एक दिन पहले ही उसकी छाती धक धक कर रही थी, देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनसे उनके सामने कैसे उठेंगी, उसने समझा था कि भैया मुझे बुला कर समझा देंगे, लेकिन देखिए ये सभी श्रीकंठ जी और श्रीकंठ जी बेनी मधु सिंह के बातें तो बेटा और बाप का बातें तो लाल बिहारी सिंह बाग से खड़ा होकर सबको सुन रहा था, तो इतना सुनाकर श्रीकंठ जी अपने कमरे में चले गए, तो लाल बिहारी सिंह हंससे ज्यादा बुरा लगने लगा, हंससे ज्यादा बुरा लगने लगा, क्योंकि लगना भी जरूरी है, दोनों साथ में पल पड़े हैं, एक ही घर के दोनों ही हैं, एक दूसरों को हंससे ज्यादा चाहने वाला भाई आज घर छोड़कर जाने के लिए तैयार है, मेरा मुंह देखने के लिए वो तैयार नहीं है, उनके लिए मैं मर चुका हूँ, आखिर क्या होगा। देखिए लाल बिहारी सिंह अपने पिता से भी ज्यादा इज्जत अपने भाई को देते थे, भाई पढ़े लिखे थे, गांव भर का रफा दफा करते थे, गांव भर इसकी सुनती थी, गांव में जो भी होता था इसी का निर्णय लिया जाता था, तो भाई के ऊपर हंसे गर्व भी था लाल बिहारी को, खुशी भी थी भाई के ऊपर, हंसे ज्यादा गर्व के नाते कभी भाई के पास जाकर बात भी नहीं करता था, दूर से ही बाई से कुछ बातें करता था, बाई के सामने कभी चार पाई पर बैठने का साहस उसमें नहीं था, बाई के पास बैठकर कभी हुक्का पीने की चाह इसका नहीं था, बाई के पास जाकर 500 पर तक भी नहीं चपाता था, उतना इज्जत बाई को देता था कि जितना अपने पिता से भी ज्यादा अपने बाई को चाहता था, अपने पिता से भी ज्यादा बाई को इज्जत देता था, लाल बिहारी सिंह के लिए अपने पिता से भी बढ़कर भाई था, ऐसे भाई आज मुझे छोड़कर जाना चाहते, आज मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, मेरे भाई मुझे जितना चाहते थे, तब शहर में शादी से पहले पढ़ने के लिए थे इलाहाबाद शहर में, कभी कभी शहर से आते समय मुझे कुछ ना कुछ ला कर देते थे,
या खाने पीने की हो, या पहने ओढ़ने के लिए हो, या कुछ ऐसे मेरे लिए कुछ ना कुछ तोहफे जरूर ला कर देते थे। जब मैं कुश्ती सीख कर पहलवान बन गया, मुखदर की जोड़ी, मुखदर की जोड़ी का अर्थ है कुश्ती खेलने खेलते टाइम पहनने वाले जो पोशाक होते हैं उसे मुखदर की जोड़ी कहते हैं, आम भाषा में लंगोटी। तो मुखदर में पहली बार कुश्ती खेलने के लिए अखाड़े में उतरा तो तब मुझे मुखदर की जोड़ी भाई ने शहर से दो जोड़ बना कर लाए थे। उन्हीं मुखदर जोड़ी पहनकर मैं मुझसे भी बड़ा, मुझसे भी शक्ति में भी बड़ा, बुद्धि में बड़ा, उम्र में भी बड़ा, मुझसे जो बड़ा एक पहलवान से मैंने हमारे गांव में नागपंचमी के दिन जो कुश्ती की स्पर्धा थी उस स्पर्धे में मैंने उसे हराया था। हराने के बाद भाई ने जो मैदान में उतर कर खुशी से मुझे गले से लगाया था, खुशी से मुझे गले से लगाकर अपने गोद में उठाकर जो मैदान के चक्कर काटकर मेरे खुशी के लिए, मेरे जीतने की खुशी के लिए मेरे ऊपर से 5 रुपये खर्चा भी कर चुके थे मेरे भाई। ऐसे भाई आज मेरा मुंह नहीं देखना चाहते। आखिर यहाँ पर गलती मेरा क्या है? मैं समझा था कि भैया भाभी के बातें सुनेंगे, छोड़ो वो छोटा है, मुझे क्षमा करेंगे, फिर मुझे गले से लगाएंगे, मुझे बुलाकर डांटेंगे डपटेंगे, मुझे बुलाकर समझाएंगे, तो मैं कैसे उनके पास जा सकता था। मुझे तो हससे ज़्यादा डर थी आइंदा भैया आने के बाद क्या करेंगे, भाभी क्या समझाएंगे, मुझे डर था। इसलिए डर के मारे भाभी भैया से जो झूठ मूठ बातें कह दी, इसी के कारण भैया मुझ पर नाराज़ है, इसी के कारण मुझ पर नाराज़ है। उन्होंने मुझे यहाँ तक बुलाया तक भी नहीं है, मुझे समझाने की कोशिश तक भी नहीं की है, और ऊपर से मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं, मुझे घर से निकालना चाहते हैं। सभी सोच विचारों में लाल बिहारी सिंह जहाँ खड़े थे वहीं खड़े होकर रोने लगे और सोचने लगे उनका दिल टूट गया। ऐसी बाई के मुँह से आज ऐसी जितना मुझे चाहने वाला भाई, मुझे गले से लगाने वाला भाई, मुझे आइंदा कभी जुकाम बुखार आए तो मेरे से भी ज़्यादा वही तड़पते थे मेरे लिए। मेरे खुशी में भी वो साथ रहते थे, मेरे दुख में भी वो साथ रहते थे, मेरे पालन पोषण उन्होंने किया है। ऐसे जान से भी ज़्यादा चाहने वाला मेरा भाई आज मुझे छोड़कर जाने के लिए तैयार है। हृदय विदारक बातें सुनकर लाल बिहारी को, यानी छाती फूटने वाले बातें सुनकर लाल बिहारी सिंह को भी बुरा हुआ, वो फूट फूट कर रोने लगा। भाई ने ऐसे कहा, फूट फूट कर रोने लगा, इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पस्त, तो उसे फिर अपने किए हुए करतूत पर भी उसे पछतावा हो रहा है। तो मैंने ही चाह कर गलती किया हूँ भाभी के साथ, इसलिए वैसे भैया मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे निकालना चाहते हैं, मुझे कुछ करना चाहते हैं, मुझसे उससे बात करने के लिए भी तैयार नहीं। इसके लिए उससे गलती के लिए अंदर अंदर ही उसका मन खा रहा है, अंदर अंदर वो भी पछता रहा है, और डर के मारे वो भाभी भैया के पास उल्टा सीधा कहा था। भाभी कुछ न समझाएगी, डर के मारे भाभी भैया से उल्टा सीधा कहा था। जो उल्टा सीधा कही सुनी बातें ही लाल बिहारी सिंह को उल्टा हो गया, मैंने उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, मैं स्वयं में कह दे हूँ ये करा हूँ भैया, मैं उनके सामने कैसे जाऊँ, कैसे उनके सामने क्षमा पाऊंगा, क्या करूँ, अब मुझे क्या करना है। इसी सोच विचार में रह गए, दिल हंसते ज्यादा धड़कने लगा, हंसते ज्यादा लाल बिहारी सिंह सोचने लगे, हंसते ज्यादा चिंतित हुए कि अब मुझे भैया क्या कहेंगे, भैया तो मेरा मुंह देखने के लिए तैयार नहीं है, मुझसे बातें करने के लिए भी तैयार नहीं, मुझे घर से हटाने के लिए तैयार है, अब मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ। देखिए पढ़े लिखे हो तो गाँव से शहर जा सकते हैं, छोटी मोटी काम कर सकते हैं, कहीं तो जीवन चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वहीं अनपढ़ है लाल बिहारी सिंह। अनपढ़ तो छोड़िए, कुश्ती खेलने का सिवाय इसका उसे कुछ काम आता ही नहीं, कुश्ती इसके लिए सब कुछ है, दिन भर कुश्ती के सपने देखता है, दिन भर कुश्ती के बारे में कसरत करने वाला इंसान लाल बिहारी सिंह पहली बार घर गांव से बाहर जाना है, इसे कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कैसे रहेगा, कहाँ पिएगा, कहाँ खाएगा, इन सभी सोच विचार इसके दिमाग में आने लगे और सोच विचार करने लगा, मन ही मन दुखित होने लगा और मन ही मन रोने लगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगे, सब कुछ भाभी के साथ जो मैंने किया हूँ भैया के सामने मैं जाकर अब कैसे खड़ा हो जाऊँ, भैया से मैं क्या कहूँ, कैसे उनसे बातें करूँ, सोच विचार में रह गए। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयत का मूर्ति बना बने हुए पाया, वह मूर्ख था। इतना तो छोड़िए, आज बिल्कुल भाई ने इसके लिए जो बात की थी, लाल बिहारी सिंह के लिए जो श्रीकंठ ने बात की थी, इन सभी बातों को सुनने के बाद
सोचने लगा, हद से ज्यादा सोचने लगा, कहने लगा, इतने दिन तक मैं मूर्ख था, अपने भाई को मैं पिता से भी बड़ा समझता था, भाई को दिलो जान से प्यार करता था, भाई मेरे लिए सब कुछ था। तो आज जो रहम था लाल बिहारी सिंह के मन में भाई के लिए, वो भी टूट गया। सोचने लगा, मैं मूर्ख, मैं बुद्धू, मैं पहले से अनपढ़ ही हूँ, मुझे चाहने वाले कोई नहीं। जब मैं छोटा तभी मेरे माँ गुजर गई, पिता भी कभी मुझे ज़्यादा नहीं चाहते थे, मेरे से भाई ही चाहते थे, भाई मुझसे प्यार करते थे, वो भी मुझे अब द्वेष करने लगे हैं, मेरे करतूत से वो भी नाराज हैं। आखिर मैं कहाँ रहूँ, क्या कहूँ, मैं स्वयं हूँ मूर्ख होने के नाते, मेरे वजह से घर में सब कुछ हो रहा है, मेरे वजह से पिता नाराज है, मेरे वजह से भाई नाराज है, मेरे वजह से भाभी भी नाराज है, इस घर के सभी लोग मुझसे ही नाराज है, क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ भी समझ में आता भी नहीं है, मैं कब क्या कर बैठता हूँ मुझे ही पता नहीं, मैं कब किसको गाली देता हूँ मुझे ही पता नहीं, मैं कब किस पर खड़ाव फेंकता हूँ मुझे ही पता नहीं, मैं मूर्ख हूँ। मूर्ख होने के नाते सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, परंतु उनका मन कहता था कि भैया मेरे पास अन्याय कर रहे हैं, पर मन ही मन उनको अंदर से दुख हो रहा है, भैया मेरे साथ ये अन्याय कर रहे हैं, भैया मुझे घर से निकालने की जो सोच विचार कर रहे हैं वो बड़ा गलती कर रहे हैं, मेरे साथ बिल्कुल अन्याय हो रहा है, मन ही मन उसे सोच रहा है, मन ही मन अंदर से दुख हो रहा है। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर दो चार बातें कह देते, इतना ही नहीं दो चार तमाचे लगा देता, तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सह न गया, वह कहने लगा, जो मैं गलती किया, इस गलती के लिए भाई ने मुझे अकेले में बुलाकर गाली दिया तो भी मैं सुन ले सकता था, गाली छोड़ो दो तीन तमाचा लगा लिए तभी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, आज बड़ी लोगों के सामने घर पर लोग बैठे हैं, सभी लोगों के सामने कहने लगे हैं कि मैं उसका सूरत नहीं देखूंगा, उसका मुंह नहीं देखूंगा, वो मेरे लिए मर चुका है, मैं उसके लिए मर चुका हूँ, आज से लाल बिहारी सिंह मेरे लिए भाई नहीं है, मैं उसके लिए भाई नहीं हूँ, मैं इस घर से अलग होता जा रहा हूँ, मैं इस घर में नहीं रहूँगा, आप अधिक उसे चाहते हैं तो आप उसे रख लीजिए, मुझे निकाल दीजिए, मुझे चाहते हैं तो उसे निकाल दीजिए, मुझे रख लीजिए। ये सभी बातें सुनने के बाद लाल बिहारी का दिल तो बिल्कुल भारी बन गया, घर के लिए, भाई के लिए, भाभी के लिए, सबके लिए दिल भारी बन गया, सोचने लगा, लाल बिहारी से सह न गया, सब कुछ बातें सह न गया, उसे इससे ज्यादा दुख हो गया, और रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछते, जिसने कोई यह न समझे कि रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया ही है, वह मेरा साथ घर में न रहेंगे, अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए अब मैं जाता हूँ, उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा, उससे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना, न सोच विचार कर लिया, लाल बिहारी सिंह तो निर्णय नहीं लिया, जो भी हो अब इस घर से मुझे ही विदा लेना पड़ेगा। आखिर भाई कहाँ जाता है, भाई का तो शादी होकर कुछ ही दिन हुआ है, नहीं नवेली बहू, नहीं नवेली भाभी को लेकर भाई कहाँ जाएगा, बाहर जाकर एक नया घर बनाना आसान नहीं, नए घर में रहना आसान नहीं है, पिता तो बूढ़े हैं, वो कहाँ जा सकते हैं इस घर को छोड़कर, भला वो भी यहीं रहेंगे, पिता के साथ भाई भाभी दोनों ही रहेंगे, मुझे ही यहाँ से जाना पड़ेगा, जो भी हो मुझे ही यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं कैसे भी अकेला हूँ, कहाँ तो जाकर कुछ कर सकता हूँ, वो तीनों ही, तीनों कहाँ जाएंगे, तीनों के लिए घर ढूंढना वो उतना आसान नहीं है, चलो मुझे ही जाना पड़ेगा, सोच विचार कर लाल बिहारी सिंह ने सीधा अपने कमरे में गए। हंसते से दुख हो रहा है लाल बिहारी सिंह को, देखिए हम जहाँ जन्म लेते हैं, जिस घर को हमारा घर समझते हैं, जहाँ हमारा बचपना हुआ है, जहाँ हमारा यौवन अवस्था गुजरा हुआ है, जहाँ हमारे चाहने वाले माँ बाप भाई बहन जिस परिवार में है, उस परिवार को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना उतना आसान नहीं है, कहीं दूसरे शहर को भी जाना उतना आसान नहीं है, दूसरे गांव में जाकर जीवन चलाना भी उतना आसान नहीं है, क्योंकि हम लोगों को परिवार से लगाव होता है, परिवार ही हम लोगों के लिए सब कुछ है, क्योंकि हम समूह प्राणी हैं, मनुष्य कैसे हैं, समूह में जीने वाले हैं, मतलब एक झुंड में जीने वाले हैं, झुंड से अलग जाएंगे तो कहीं रह न सकते हैं, इसलिए लाल बिहारी सिंह जब से जन्म लिया था वो घर ही उसके लिए सब कुछ था, भाई पिता ही उसके लिए सब कुछ थे, गांव ही सब कुछ था,
ये गांव घर गृहस्थी माँ बाप सब कुछ छोड़कर जाना उतना आसान नहीं है। उसी सोच विचार में अपने कमरे में गया लाल बिहारी सिंह, कपड़े बदलने लगा। कपड़े बदलते समय तो लाल बिहारी सिंह को इतना दुख आता है कि दुख उमड़ उमड़ कर आता है, आंखों से आंसू छलने लगे हैं, आंखों से आंसू बहने लगे हैं। कमरे के चारों ओर देखते हैं, ये कमरा इतना दिनों तक तो मेरा था, अब ये मेरा नहीं रहेगा। अब ये दीवारें मुझसे कभी कभी बातें करते थे, ये अब दीवारें भी मुझसे नाराज हैं, चलो आप भी यहाँ से विदा लेना ही पड़ेगा। तो कपड़े पहनते हैं, साथ लेकर जाने के लिए दो तीन कपड़े भी एक गांठी में बांध लेते हैं, गठरी बांध देते हैं, और कमरे से बाहर जाना चाहते हैं, पांव निकलने के लिए तैयार ही नहीं, पांव से हटने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि लाल बिहारी सिंह को उस घर से लगाव है, वो परिवार से लगाव है। कहीं कभी उसने घर छोड़कर बाहर गया, वह इंसान ही नहीं है, घर ही उसके लिए सब कुछ था। सुबह से शाम तक अखाड़े में कुश्ती, शाम से सुबह तक घर घर कुश्ती का अखाड़ा, घर कुश्ती का इसी में उसका आधा जीवन बीत गया है। अब घर गृहस्थी अखाड़े छोड़कर कहाँ जा सकता है, जाने का तो सोच विचार कर ही लिया है, जाने के लिए निर्णय तो ले ही लिया है, लेकिन जाना उतना आसान नहीं हो सकता, जाना उतना आसान हो ही नहीं सकता। ये तो किसी के लिए भी होता है, चाहे आपके लिए भी होता है, मेरे लिए भी होता है, घर गृहस्थी छोड़कर कहीं दूर जाना उतना आसान नहीं है। तो सोच विचार कर लिया, कपड़े बदल लिया, आंखों से आंसू छलकने लगे हैं, गठरी बांध लिया, सोच विचार करते बाहर गया। बाहर गया, घर को चारों ओर से देखा और सीधा जाकर बाबी के कमरे के पास खड़ा हो। बाबी के कमरे के पास खड़ा होकर कहता है, भाभी भाभी, जोरों से पुकारता है। तब आनंद कहती, कौन है? भाभी, मैं लाल बिहारी सिंह हूँ। कहो, क्या कह रहे हो? भाभी, मैं अब इस घर से जा रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे कभी क्षमा नहीं करते हैं, भाई को मेरा मुंह देखने का चाह नहीं है, भाई मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं, भाई के लिए मैं मर चुका हूँ, तो कभी वो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, मुझसे बातें नहीं करना चाहते, मुझे क्षमा नहीं करना चाहते, मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए भाभी मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। इतनी बातें कहता है, भाभी मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ, आप इस घर में मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता हूँ, अब मैं इस घर से विदा ले रहा हूँ। तब आनंदी बोलती है, आप मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं, भैया मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए इस घर से मैं निकल जा रहा हूँ, उन्हें फिर ना मुंह देखने का अवसर न मिलेगा। भैया से कहिए भाभी, मैं कभी भी उनका मेरा मुंह उनके उनको नहीं दिखाऊंगा, मैं कभी भी उनका मुंह नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए मैं अपना मुंह काला कर कर यहाँ से निकल कर जा रहा हूँ, अलग दुनिया में जा रहा हूँ, इसलिए वैसे कहिए फिर दोबारा मेरा मुंह देखना न पड़े उनको। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ वो बाद में कहता है, भाभी मुझसे जो कुछ इतने दिनों तक तो आप आए हैं, इतने दिनों तक मैं जो कुछ मैंने गलती किया हूँ, जो मेरे अपराध हुए हैं, इसके लिए आप दोनों मुझे क्षमा करें। आज से मैं आप दोनों का मुंह नहीं देखूंगा, आप लोग मेरा मुंह देखना न पड़े, इसलिए मैं अलग अलग दुनिया में जा रहा हूँ। भाभी जी, मैं कहाँ जा रहा हूँ पता नहीं, क्या करता हूँ पता नहीं, आप दोनों हो सके तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं आपके क्षमा का भी योग्य नहीं हूँ, मैं उतना पापी हूँ, मैं उतना निर्दयी हूँ, मेरे लिए कोई ही नहीं, क्षमा करे भाभी जी। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया, भाभी से इतना कहता है, कहते 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 फिर से लाल बिहारी सिंह का दुख दुगना होता है, दुख दुगना होता है, दुख दुगना होता है, और आंखों से आंसू छलने लगते हैं, और कंठ से जो आवाज निकलते हैं बिल्कुल आवाज भी थर थराने लगी है। ये बात अंदर बैठी लाल बिहारी सॉरी अंदर बैठी आनंदी को सब कुछ पता चला, ये घर से छोड़कर जाने का सोच विचार कर रहा है, तो इसे ऐसे दुख भी हो रहा है, तो सोच विचार करने की बात ही है। तो यहाँ तक तीसरा दृश्य हो गया। चौथा दृश्य में देखिए, जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंद के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए, भाई को खड़ा देखा तो गुणा से आंखों फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से भी दूर भागते हैं। तो बाबी के कमरे के पास खड़े होकर सब कुछ बातें बाबी से लाल बिहारी सिंह कर रहे थे, तब ही श्रीकंठ जी भी बाहर से अंदर आए, आकर इधर इधर देखते हैं, भाई के पत्नी के कमरे के सामने भाई खड़ा है, एक बार गुस्से से देखते हैं, ऐसे लगता है कि उनको ये मेरा सदियों का दुश्मन है, ये मेरा
बहुत दिनों का दुश्मन है, उसके गुस्से से एक बार उसको देखते हैं, फिर उसे ऐसे हटाकर अपने कमरे में चले जाते हैं, क्रोध से अपने कमरे में चले जाते हैं। तब लाल बिहारी सिंह को और बुरा लगता है, मेरा गलती तो यहाँ पर क्या है, अब तक तो मैं भाई को अपना चेहरा नहीं दिखाया, आप तो आए हैं मुझे देख रहे हैं और गुस्से से मुझे हंसे हटाकर अंदर जा रहा है, उतना बड़ा गलती तो मैं क्या कर चुका हूँ। फिर रोने लगा। आनंद ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन ही मन पछता रही है, वो स्वभाव से ही दयावती थी। आनंदी ने जो भाई देवर का जो व्यवहार पति के सामने तो समझाई थी, सिर्फ इतना समझाने के लिए घर में क्या हो रहा है, घर में अक्सर आप नहीं रहते, जो कुछ चलता है इसी बातों के लिए पति को समझाई थी, लेकिन अब उल्टा हो गया है, उन पत्नी के बातें सुनकर पत्नी तो ऐसा व्यवहार करने लगा है, तो आनंदी को हंसी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है, पति के ऊपर हंसी ज्यादा क्रोध भी आ रहा है, साथ ही साथ दुख भी हो रहा है कि पढ़े लिखे इंसान ऐसे क्यों है। मैं समझी थी कि उनके भाई को क्षमा करेंगे, मैं समझी थी कि उनके भाई को समझा बुझा कर फिर अपनाएंगे, ये तो घर से निकालने के लिए तैयार हो गए हैं। तो उसके लिए भी आनंदी को थोड़ा दुख हुआ, बचपन से ही आनंदी दयावती ही थी, क्योंकि स्त्रियों के मन में दया रहता ही है, इसलिए हम माता कहते हैं, स्त्रियों को माता कहते हैं। संस्कृत श्लोक ही है, भोजेशो माता कहते हैं, जो खाना खिलाते हैं, खाना खिलाने की सहन शक्ति किसके पास होता है, माँ के पास होते हैं। भोजेशो माता क्षमया धरित्री, क्षमा करने की गुण भी स्त्रियों के पास ही है। भोजेशो माता क्षमया धरित्री शयनेशो रम्भा, मतलब एक पुरुष जीवन में स्त्रियों का पात्र हस्य ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, एक पुरुष के जीवन में एक स्त्री का पात्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, कभी बहन के रूप में, कभी माँ के रूप में, कभी नानी दादी के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी प्रियतमा के रूप में, हर रूप में पुरुष को परिपूर्ण बनाने का काम स्त्री करती है। हंसे ज्यादा सहने की शक्ति स्त्रियों में ही, हंसे ज्यादा दुख भी सहते हैं, कष्ट को भी सहते हैं, निंदा तिरस्कारों को भी सहते हैं, साथ ही साथ अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पण करने वाला मनोभाव स्त्रियों में ही। इसलिए जहाँ जिन वस्तुओं में सहने की शक्ति होती है, उन सभी वस्तुओं को हम स्त्री नाम से संबोधित करते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी, पृथ्वी तो हम सब लोगों का बोझ सहता है, इसलिए हम माँ कहते हैं। नदी नालों, हम लोगों को जीवनदायी पानी देने नदी नालों को भी हम स्त्री नाम से संबोधित करते हैं। ये छोड़िए, सुबह से शाम तक अपने हवा से हम लोगों को जीवन दान देने वाला पर्यावरण, पर्यावरण को भी हम स्त्री नाम से संबोधित करते हैं, क्योंकि ये तीनों वस्तुएं दूसरों के लिए ही जीवन लिए हैं, दूसरों के पालन पोषण के लिए जीवन लिए, सकल जीव जंतुओं को जीवदान देने वाले पृथ्वी को भी माँ कहते हैं, अपनी मीठी पानी से पृथ्वी को हरियाली करने वाले नदी नालों को भी माँ कहते हैं। हंसे ज्यादा सहने की शक्ति पृथ्वी में है, इसलिए पृथ्वी को भी माँ कहते हैं। सहने की वस्तुओं जिन जिन वस्तुओं में है, सहने की शक्ति जिन जिन वस्तुओं में, सभी वस्तुओं को हम स्त्री नाम से संबोधित करते हैं। स्त्रियाँ दयावती होते हैं, क्षमा करने का गुण भी उनमें होता है, प्यार करने का गुण भी उनमें होता है, अपनाने का गुण भी उनमें होता है, अपना जो भी दूसरों के लिए समर्पण करने का मनोभाव भी स्त्रियों में ही होता है। आनंदी वैसे ही थी, आनंदी पढ़ी लिखी थी, शहरीली थी, सब कुछ थी, लेकिन स्त्री होने के नाते उसके मन में दया भावना उमड़ने लगा, दया भावना उमड़ने लगा। पति के इस व्यवहारों को देखने के बाद आनंदी को हंसे ज्यादा बुरा भी लगने लगा और कहने लगी पति से, उसे इसका तनिक भी ध्यान नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी, उसे पता नहीं था, सिर्फ मैं पति को समझाने के लिए सब ये सब कुछ बातें कहती, लेकिन बात इतना बढ़ जाएगा, बढ़कर बात घर पर फैल जाएगा, घर से अलग घर बनाने का सोच विचार मेरे पति के दिमाग में आएंगे, सब कुछ पता नहीं था, पति को समझाने के लिए इतना सब कुछ कह दिया, सब कुछ हो गया, सोचने लगी। उस पर यह भी लगा हुआ था कि कहीं उससे इलाहाबाद चलने को कहे तो कैसे क्या करूंगी। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहता सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया, वह मैं रोने लगी, मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। लेकिन देखिए
पति को समझाने के लिए सब कुछ बातें की थी। पति श्रीकर्ण जो पत्नी के बातें सुनकर इतना तो बिगड़ गया था, सोच लगी आइंदा इतना तो बिगड़ गए, क्रोधित होकर मुझे कहीं इलाहाबाद लेकर जाएंगे तो एक रथ गृहस्थी कैसे रहेगा, यहाँ पर इन दोनों के लिए खान पकवान कौन करेंगे, ये भी डर था लाल बिहार सॉरी आनंदी के मन में। सोचने लगी क्या किए मेरे मुंह में आग लग जाए, वहीं उन्हीं दोनों के बीच में झगड़ा लगा दी, मैं चुप रही थी तो सब कुछ होता ही नहीं था, जो चलने वाली घटनाओं को इनके सामने कह दिए, बिल्कुल इतना बिगड़ गए, घर से अलग जा अलग होने की बातें करते हैं, अलग खिचड़ी पकाने की बातें करते हैं, तो फिर मन ही मन अपने आप को कोसते रहे और बार को खड़ा होकर जो देवर इनका इनके लिए क्षमा मांगा था उनके लाल बिहारी से क्षमा मांगते ही रहा सहा क्रोध भी, आनंदी के मन में लाल बिहारी सिंह के लिए जो रहा सहा क्रोध भी बिल्कुल पानी पानी हो गया, देवर के लिए दिल बिल्कुल खुल गया और सोच लगी जो भी होने दो, अब मुझे इस बिगड़ता हुआ परिवार को बचाना ही पड़ेगा। सोचने लगी आनंदी जो भी हो, या मेरे पति मुझे डांटे मुझे मारे तो मुझे इस परिवार को बचाना ही पड़ेगा। अनपढ़ देवर लाल बिहारी सिंह, ना पढ़ा है ना लिखा है, कुछ भी नहीं, कहाँ जाएगा क्या करेगा, उसके लिए खाना कहाँ से आएगा, ये तो काम कुछ भी जानता ही नहीं, सुबह से शाम तक भैंस का दूध पीकर अकड़े में कुश्ती खेलने वाला पहलवान जाकर काम क्या करेगा, इसे कुछ ना कुछ करूँगी बचाने की कोशिश करूँगी, जो भी हो पति से बातें कहूँगी और बचाने की कोशिश करूँगी। और देवर की बातें सुनकर मन ही मन उसका भी मन पिघल गया और रोने लगी। देखिए नई निश्चित आंखों से आंसू जब छलकता है, मन में रहा सहा मैल धोने के लिए आंसू काफी, इसका अर्थ है कभी हमारे मन में दुख हुआ समझिए, हंस से ज्यादा दुख हो तो भी आंखों से आंसू निकलते हैं, क्योंकि हमारा दुख का परछाई दूर हटे, हंस से तो खुशी हो तो भी हमारे आंखों में आंसू आते हैं, क्योंकि खुशी से भी आंखों में आंसू आते हैं, दुख के भी आंखों में आंसू आते हैं, खुशी से भी कभी कभी मन भारी बन सकता है, इसलिए मन भारी बनने के बाद मन को धोने का एक एक साधन ही हमारे आंखों के आंसू, तो आनंद की आंखों से भी आंसू छलकने लगे, मन धो लिए, बिल्कुल मन निर्लिप्त हो गया, मन से मन बिल्कुल स्वच्छ हो गए और देवर के लिए रहा सहा क्रोध भी पानी पानी हो गया, अब देवर के लिए दयावान बन गई आनंदी, देवर के लिए दयावान बन गई और श्रीकंठ को देखकर आनंदी का कहा, श्रीकंठ जैसे ही बाहर खड़ा हुआ था आनंद भी बाहर आ गई, आकर कहते हैं लाला बाहर खड़े बहुत रो रहा है, जाकर पति से कहती है अरे सुनिए जो मेरे मुंह में आग लग जाए, मैं यूं ही झगड़ा लगाई हुई हूँ, देखो तुम्हारे भाई बाहर खड़े होकर रो रहा है, उसे बुला लीजिए नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, जाकर पति से कहती है श्रीकंठ से, श्रीकंठ जी जाकर गुस्से से अपने कमरे में बैठे हैं, उनके उनको भी दुख हो रहा है भाई के जोहार पर, तो लाल बिहारी के लिए भाभी जाकर कहती है श्रीकंठ से, आनंदी जाकर कहती है अपने पति से लाल लल्ला बाहर खड़ा रो रहा है, देखो तुम्हारे भाई लाला बार खड़ा होकर रो रहा है कुछ कहो, श्रीकंठ कहते हैं मैं क्या करूं, क्रोध से गुस्से से कहने लगे पति से मैं क्या करूं, रोता है तो रोने दो, घर छोड़कर जाना चाहता है तो जाने दो, मैं क्या करूं, पत्नी को कहने लगा मैं क्या करूं, आनंदी कहती है पति से भीतर बुला मेरी जीव में आग लगे, मैंने कहां से यह झगड़ा उठा है, अरे जाइयो जी अपने भाई को अंदर बुलाए, भीतर करते अंदर घर में अपने जाकर भाई को अंदर बुला लीजिए, वो घर छोड़कर जाने की बातें कर रहा है, आइंदा घर छोड़कर जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, गांव भर के लोग तुम्हें गाली देंगे, हमारे घर परिवार के ओर आंख उठाकर बातें करेंगे, उंगली दिखाकर बातें करेंगे, इसलिए जाइए अपने भाई को समझा बुझा कर भीतर अंदर बुला लीजिए। फिर अपने आप को टोस लेने लगी, मैं कैसी औरत हूँ, मेरे जेब में आग लग जाए, मैं उन्हीं दोनों के बीच में झगड़ा लगा दी, मैं बस इतना समझाना चाहती थी कि तुम्हें घर में क्या हो रहा है, लेकिन तुमने उल्टा सीधा कर झगड़ा करने के लिए ही बैठे हो, चलो तुम झगड़ा करना चाहते हो, मैं झगड़े को बचाना चाहती हूँ, चलो भाई को अंदर बुला लो, श्रीकंठ कहते हैं मैं नहीं बुलाऊंगा, मैं क्यों बुलाऊं, वो जाना चाहता है जाने दो, मैं तो नहीं बुलाता हूँ, मैं उसे अपने भाई भी नहीं समझता, जो उसने किया है तुम्हारे साथ इसके लिए वो मेरे लिए मर चुका है, आप ये मेरे लिए भाई नहीं है, मैं उसके लिए नहीं हूँ, मैं उसे कभी अंदर बुला ही नहीं सकता हूँ, तुम चले जाओ यहाँ से, गुस्से से पत्नी को भी कह रहे हैं। तब आनंद कहती है जो खड़ा मुझ पर उठाए हैं मैं ही उनको बुलाने के लिए कह रही हूँ, तुम भीतर बुलाने को मना करते हो, कैसे भाई हो,
आनंदी कहते हैं, पछताओगे, वो घर छोड़कर जाओगे तो पछताना पड़ता है, उन्हें भीतर बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा ना हो कहीं चल दे। देखो उनको बहुत दुख हुआ है, उनको प्रायश्चित भी हुआ है, आइंदा वो घर छोड़कर जाए कहीं अनर्थ हो जाए, कुछ कर लेंगे तो मुश्किल ही हो जाएगा, चलो जल्दी से जल्दी उठो, बाहर जाओ, तुम्हारे भाई को बुला लो। तब श्रीकंठ कहता है, श्रीकंठ वहां से उठे और कहते हैं, इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए मैं भी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। आनंदी पति को समझा रही है। फिर से लाल बिहारी सिंह बाहर से कहने लगा अपने भाभी से, भाभी मैं जा रहा हूँ, भैया से कहिए मुझे क्षमा करने के लिए, भैया मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं, भाभी मैं भी अपना मुंह उनको नहीं दिखाऊंगा, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, दोनों मिलकर हो सके तो मुझे क्षमा करें, मैं जा रहा हूँ। कहता है, दरवाजे से आगे जाने की कोशिश करता है, लाल बिहारी इतने कहकर लौट पड़ा, इतना भाभी से कहा बाहर जाने लगा, शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा, अंत में आनंदी कमरे से निकली और उनका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिर के देखा और आंखों से आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो, इतना तो कह दिया, भाभी मुझे मैं जा रहा हूँ, दोनों मिलकर हो सके तो मुझे क्षमा करेंगे, वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, मैं उनका मुंह भी क्यों दिखाऊं, मैं जाता हूँ। इतना कहकर जोरों से दरवाजे की ओर बढ़ गए। पति तो उठने के लिए तैयार नहीं, उसे कमरे से बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं, आनंदी नहीं बाहर आ गई और भागते दौड़ते हुए मुख्य द्वार के पास जाने वाले देवर का हाथ जोरों से पकड़ लेती है। जैसे ही हाथ पकड़ लेने के बाद लाल बिहारी सिंह उल्टा मुड़कर देखता है, देखने के बाद भाभी हाथ पकड़ी है, आंखों से आंसू छल 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 बहने लगे। लाल बिहारी सिंह के आनंदी भी रोने लगे, लाल बिहारी सिंह भी रोने लगा, भाभी को देखकर देवर रोने लगा, देवर को देखकर भाभी रोने लगे। आनंद हाथ पकड़कर कहती है देवर से, कहाँ जाते हो, अरे कहाँ जाते हो। लाल बिहारी सिंह कहता है, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। भाभी मैं कहाँ जाऊँ, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे ऐसे जगह जाता हूँ, वो जगह तो आप लोगों को पता ही है, जहाँ मेरा मुंह न देखे ऐसी जगह जाना चाहता हूँ। इस बातों को सुनने के बाद आनंदी को तो हद से ज्यादा दुख हुआ, कहती है देवर से, अब मैं जाने नहीं दूंगी, तुम्हें जाने ना दूंगी लाल बिहारी सिंह, तुम कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए जो मेरे मन में मैल था वो धो लिया है, अब तुम ही रहोगे, मैं जाने नहीं दूंगी। लाल बिहारी कहता है, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। लाल बिहारी सिंह भाभी से कहता है, भाभी मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए योग्य नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहने का लायक नहीं हूँ। जब लाल बिहारी फिर कहता है, जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया मेरा मुंह मेरी तरफ से साफ होगा, तब मैं इस घर में कदापि न रहूंगा। जाते जाते फिर कहता है, भैया भाभी इस घर में रहने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, जब तक मेरे लिए बात भैया का मन साफ नहीं होता, जब तक मेरा भाई मेरा मुंह देखने के लिए पसंद करते हैं, जब तक मेरे भाई मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं, तब तक मैं इस घर में आऊंगा नहीं, इस घर में रहूंगा नहीं, मैं जाऊंगा। आनंद कहती है, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैं नहीं। अरे लाल बिहारी सिंह, मैं भगवान की साक्षी मानकर तुमसे कहती हूँ, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई मैं नहीं, तुम्हारे जो व्यवहार से मुझे कोई दुख भी नहीं है, मैं तुम क्षमा कर चुकी हूँ, चलो बार बार घर छोड़कर जाने की बातें मत करो, चलो भीतर चलो। जाकर उसके हाथ की थैली ले लेती है, उसे फिर पुकारती है। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघल गया, भाभी और देवर के बातें सुनकर श्रीकंठ जी का गुस्सा भी उतर गया, श्रीकंठ जी का भी दुख दूर हुआ। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगाया, दोनों भाई फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी सिसकते हुए कहा, भैया आप कभी भी मत कहना तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा, इसके सिवा आप जो भी दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। तो भाभी और देवर के बातचीत चलने लगे हैं, अंदर बैठे श्रीकंठ जी का भी दिल पिघल गया, भागते दौड़ते बाहर आया, जाकर जोरों से अपने भाई को गले से गले लगा लिया और रोने लगा। लाल बिहारी सिंह भी रोने लगा, श्रीकंठ भी रोने लगा, लाल बिहारी सिंह भी रोने लगा, श्रीकंठ भी रोने लगा। रोते रोते श्रीकंठ कहने लगा, भैया मेरे गलती के लिए जो दंड देना चाहते हो दंड दो, मुझे मारो पीटो सब कुछ करो, लेकिन मेरे मुंह न देखने का बातें कभी भी मत करो,
मेरे मुंह न देखने का बातें कभी मत करो भैया, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, मेरे बिना आप नहीं रह सकते, फिर भी आप ऐसे बातें करते हैं, मुंह न देखने का बातें मत करो, दोनों की बातचीत होगी खुशी से, दोनों एक दूसरों से गले मिले। श्रीकंठ ने हाँपते हुए स्वर में कहा, लल्लू इन बातों को बिल्कुल बुरा ना बुला जा, गले से लगाया अपने भाई लल्ला से, कहता है श्रीकंठ जी, लल्लू इस बात को बिल्कुल भूल जाओ, जो दो दिन से हमारे घर में सब कुछ हुआ है इन सभी बातों को भूल जाओ, ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आएगा, भगवान चाहेंगे तो फिर ऐसे मौका हमारे घर में नहीं आएंगे, फिर से हमारे घर में कभी झगड़े नहीं होगा, फिर से हमारे बीच में कभी दरार नहीं पड़ेंगे, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम खुशहाली से ऐसे ही रहेंगे। इन तीनों के बातें सब कुछ बेनी माधव सिंह दूर से ही खड़े ही कहते हैं, बेनी माधव सिंह बाहर से ही आ रहे थे, दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंदी से पुलकित हो गए, बोल बैठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। लाल बिहारी सिंह श्रीकंठ दोनों गले से मिलकर बातें कर रहे हैं, आनंदी बाजू में खड़ी है, आनंदी की आंखों में भी खुशी है, दोनों भाइयों की आंखों में खुशी है, दोनों खुशी खुशी से बातें कर रहे हैं। बेनी माधव सिंह बाहर से अंदर आते हैं, दोनों भाइयों को गले से गले मिलने का देखते खुश होकर कहते हैं कि ऐसे होते हैं बड़े घर की बेटियाँ, बिगड़ता हुआ काम बना लेते हैं, बिगड़ता हुआ परिवार को बचा लेते हैं, बिगड़ता हुआ समाज को भी बना लेते हैं, ऐसे होते हैं बड़े घर की बेटियाँ। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता से सहारा, बड़े घर की बेटियाँ ऐसे ही होती हैं। तो खुशी से बेनी माधव सिंह गाँव भर, क्योंकि गाँव के सब लोग इनके घर में बैठ कर झगड़ा सुनने के लिए आए थे, उन सभी से बातें करने लगे, मेरे बहू ने मेरा घर बचाई, हमारे दोनों बेटों के बीच में जो दरार थी दरार को भी मिटा दी, दोनों एक दूसरों को बहुत चाहते हैं, खुशी खुशी से बातें करते हैं। इन सभी गांव भर में खबर फैला दिया बहू की, गांव के सब लोग मिलकर आनंदी का गुणगान करने लगे, आनंदी के जय जयकार करने लगे, और आनंदी बड़े घर की बेटियाँ ऐसे ही होते हैं। देखिए यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे हुए हैं। इस कहानी में आए हुए दिनों में हमारे घर में आने वाले बहु बेटियां कैसे होते हैं, हमारे भारतीय स्त्रियां कैसे होते हैं, इस गद्य भाग का सारांश बस इतना है कि एक परिवार में बहू हो या बहुत बेटी हो, बिगड़ता हुआ घर को कैसे बचाते हैं, बिगड़ता हुआ घर को कैसे बनाते हैं। तो हम समूह में जीने वाले मनुष्य हैं, अविभक्त परिवारों में जीने वाले, हम भारतीय संप्रदाय को अपनाने वाले, हमारे भारतीय नारियां उतना ये नहीं बिल्कुल सख्त हैं, मजबूत हैं, बिगड़ तो हर काम को बनाने की शक्ति उनमें है। तो नारी पात्र चित्रण का वर्णन करने के तो ही मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे हुए बड़े घर की बेटी गद्य भाग समाप्त हो गया है। छात्रों, इस गद्य भाग से संबंधित एक अंक का प्रश्न मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठाकुर साहब के कितने बेटे थे, एक प्रश्न है, ठाकुर साहब के दो बेटे थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी संपत्ति किसे बेट के रूप में दे चुके थे, वकीलों के बेट में दे चुके थे। ठाकुर साहब के बड़े बेटे का नाम क्या है, ठाकुर साहब का बड़े बेटे का नाम है श्रीकंठ। श्रीकंठ का बारह घर आया करते थे, शनिवार के दिन घर आया करते थे। आनंदी का पिता का नाम लिखिए, आनंदी का पिता का नाम है कुप सिंह। थाली उठाकर किसने पलट दी, लाल बिहारी सिंह ने थाली उठाकर पलट दी। गोरीपुर गांव के जमींदार कौन थे, गोरीपुर गांव के जमींदार बेनी माधव सिंह। किसकी आंखें लाल हो गई, श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई, क्योंकि पत्नी और देवर के बातें सुनकर बिगड़ता हुआ काम कौन बना लेती है, बड़े घर की बेटियां बिगड़ता हुआ काम को बना लेते हैं। बड़े घर की बेटी कहानी का लेखक कौन है, बड़े घर की बेटी कहानी का लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। इसके बाद देखिए तीन निम्नलिखित तो, तीन चार अंक के पांच प्रश्न हैं, इन पांच प्रश्नों को आप देख ले सकते हैं। इसके बाद निम्नलिखित वाक्य को किसने किसे कहा, यहाँ पर निम्नलिखित वाक्य हैं, सात वाक्य हैं, इसे किसने किसे कहा, जल्दी से पका दो मुझे भूख लगी है। लाल बिहारी सिंह अपनी भाभी आनंदी से कहता है, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। यह बात बेनी माधव सिंह अपने बहू से कहते हैं, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। यह वाक्य बेनी माधव सिंह अपने बड़े बेटे श्रीकंठ से कहते हैं, लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता है। श्रीकंठ जी
अपने पिता के सामने शब्द कहते हैं, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए अब मैं जाता हूँ। लाल बिहार सिंह ने अपने भाभी के सामने ये बातें कहते हैं, भैया आप कभी भी मत कहना कि तुम्हारे मुंह ना देखूंगा। लाल बिहारी सिंह श्रीकंठ के सामने कहते हैं, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना। यह वाक्य भी लाल बिहारी सिंह श्रीकंठ जी के सामने कहते हैं। इसके बाद ससंदर्भ प्रश्न 5 है, ये भी आप ही देख लीजिए। इसके बाद वाक्य शुद्ध करने का 5 प्रश्न मैं बताता हूँ। उनकी पितामह किसी समय बड़े धनधान्य संपन्न थे, ये वाक्य है, इसे शुद्ध करना है। उनकी जगह पर उनके पितामह किसी समय बड़े धनधान्य थे। दूसरा प्रश्न है, स्वयं उनका पत्नी को ही इस बात में उनसे विरोध थी, स्वयं उनके पत्नी को ही इस बात पर विरोध था। उनके पत्नी से ही इस बात पर विरोध थी। आनंदी अपने नए घर में आया, तो ये देखिए इसे शुद्ध करने के लिए, आनंदी अपने नए घर में आई, मुझे जाना दो है यह वाक्य, इसे जाने दो करना, ये क्या है वाक्य शुद्ध करने का 5 प्रश्न। इसके बाद कोष्टक में दिए गए रिक्त स्थान भरना है। देखिए कोष्टक में भरने के लिए 5 शब्द यहाँ पर है, शनिवार, संतान, ऐसी, गौरीपुर, हाथी, ये सभी उत्तर हैं। प्रश्न यहाँ पर देखिए, इस दरवाजे पर डैश डैश झूमता था, हाथी झूमता था, डैश डैश में रामलीला के वही जन्मदाता है, गौरीपुर में, सुंदर डैश डैश को कदाचित माता पिता अधिक चाहते हैं, संतान को, श्रीकंठ डैश डैश को घर आया करते थे, शनिवार, बड़े घर की बेटी डैश डैश होते हैं, ऐसे ही होते हैं। इसके बाद अन्य लिंग रूप, मतलब स्त्रीलिंग में दिए हुए शब्दों को पुल्लिंग में बदलना है, पुल्लिंग में दिए हुए शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलना है, ठाकुर, इसे स्त्रीलिंग में बदलना है, ठाकुराए, पति पत्नी, बेटा बेटी, स्त्री पुरुष, बुद्धिमान, हाथी हाथियां, भाई। अन्य वचन रूप लिखिए, यहाँ पर एक वचन में दिए गए शब्दों को बहुवचन में दिया गया लिखना है, बहुवचन में दिए गए शब्दों को एक वचन में लिखना है, घर, अन्य वचन क्या है, घर घर ही होता है, बेटी बेटियां, भैंस भैंसा, स्त्री स्त्रियां, आंखें आंख, थाली थालियां। देखिए छात्रों, गद्य भाग में से प्रथम गद्य बड़े घर की बेटी गद्य भाग समाप्त हो गया। धन्यवाद।